और एक अहम और बड़ी जानकारी आपको दे दे, सीएम योगी आज आगरा जिले का दौरा करेंगे। आगरा की 3 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम एतमादपुर, फतेहपुर सिकरी और फतेहाबाद में वोट की अपील करेंगे। तो आगरा दौरा है मुख्यमंत्री का, सीएम योगी आज आगरा में होंगे। आगरा के 3 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए माहौल तैयार करेंगे। सीएम एतमादपुर, फतेहपुर सिकरी और फतेहाबाद में प्रचार करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नितिन आगरा से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। नितिन, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में होंगे, क्या उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आगरा में हैं। 3 विधानसभाओं पर उनके कार्यक्रम हैं और जिन्हें छोटी सभाएं कहा जा रहा है, यानी प्रभावी मतदाता संवाद के जरिए कहीं ना कहीं वो लोगों में एक अपील करते हुए नजर आएंगे। देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पहला उनका कार्यक्रम है वो फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, जो किरावली जो कस्बा है वहाँ जो रामवीर क्रीड़ा स्थल है उस ग्राउंड में किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं, हेलीपैड बनाया जा रहा है, कम्प्लीट किया जा रहा है, मंच है, मंच पर काम लगातार चल रहा है। तो मुख्यमंत्री करीब 12 बजे यहाँ उनका पहुँचने का कार्यक्रम है, ऐसे में तैयारियाँ काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। इसके बाद वो यही जो आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तमाम जो कहा जाए जो अपने बूथ अध्यक्षों तमाम जो पदाधिकारियों को जो प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं, तो 1 घंटे वो यहाँ उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ उनके इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो फतेहाबाद के शमशाबाद कस्बे में है और शमशाबाद कस्बे के बाद जो मुख्यमंत्री हैं वो आमलखेड़ा पहुँचेंगे, जहाँ एतमादपुर में डॉक्टर धर्मपाल सिंह बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। तो यानी आगरा की आउटर की जो आगरा ग्रामीण में जो पड़ने वाले 3 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। और देखिए, गौर करने वाली बात यह है, इन 3 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि जो विपक्षी दलों से जो जहां बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल रही है वहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रखे गए। मसलन फतेहपुर सीकरी जहां मैं मौजूद हूं वहां से जो RLD प्रत्याशी हैं ब्रजेश शाहर कड़ी टक्कर दे रहे हैं, इसी तरह से छोटेलाल वर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं रूपाली दीक्षित उनको कड़ी टक्कर पेश कर रही हैं। ऐसे ही जो कहा जाए एतमादपुर सीट पर राकेश बघेल जो BSP से चुनाव लड़ रहे हैं वो धर्मपाल सिंह को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के इस पूरे प्रभावी मतदाता संवाद के बाद क्या फिजा बदलेगी, क्या राजनीतिक हवा बदलेगी, इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चिंतन मनन कर रही है। और यही वजह है कि जहां बीजेपी को लग रहा है कि ऐसी विधानसभा सीटें जो 2009 में तो जहां पूरी तरह से भगवा 9 की 9 सीटें पर भगवा फहराया था, 9 की 9 सीटें बिल्कुल, और इस बार भी पूरी कोशिश यही है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी आगरा की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उन पर एक बार फिर से जीत दर्ज करे। शुक्रिया नितिन आपका जानकारी के लिए।